खबर छपरा बिहार से, जहां सांसद राजीव प्रताप रूडी कल शाम इंडिगो के मैनेजर स्वर्गीय रूपेश सिंह के घर पहुंचकर परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दिया। साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का सवाल का शालीनता से जवाब दिया। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की मृत्यु के बाद छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी उनके निवास सवरी जलालपुर पहुँच उनके परिवार वालों से बातचीत किए, साथ ही पत्नी एवं बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर आश्वासन भी दिए। इस मामले में जब हमारे छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने सांसद राजीव प्रताप रूडी से सवाल किया तो क्या कुछ कहे, देखिए यह रिपोर्ट। हम रूपेश के परिवार से मिलने आए थे कि घर पर गए, बेटी से, पत्नी से, बेटा से, उनके 93 वर्षीय पिताजी से भी मुलाकात हुई, उनके भाइयों से मुलाकात हुई। हृदय विदारक दृश्य, और अभी तक ऐसा लोग कह रहे हैं कि अभी तक वहाँ पर कई लोग गए हैं, सब लोगों ने अपनी बातें रखी, सबकी सद्भावना है, सबकी संवेदना है, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द पुलिस सूत्र ढूंढ निकालेगी और अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। मुझे पता है कि बिहार सरकार और प्रशासन इस काम में बहुत बखूबी लगा है, SIT का गठन हुआ है। हमारी बड़ी चिंता है उनकी परिवार की सुरक्षा की, और साथ साथ सुरक्षा से भी साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई की। हम लोगों ने अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ली है कि बच्चों की पढ़ाई का रास्ता निकाले, और उनके जितने सहयोगी हैं, जितने लोग उनके मददगार हैं, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। तेजस्वी यादव सर कल गए थे, कह रहे हैं कि सरकार यहाँ कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष में हैं और स्वाभाविक है उनकी टिप्पणी, उनका आगमन भी राजनीतिक था, उनकी टिप्पणी भी राजनीतिक है, लेकिन उससे हल नहीं निकलता। जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार निश्चित रूप से उसकी जांच पड़ताल कर रही है, और निश्चित रूप से सरकार रूपेश के हत्यारों के बारे में, लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है सर बिहार में, सरकार ने इसका संज्ञान लिया। धन्यवाद।